सरकार बदलने के महज चंद दिनों बाद ही भाजपा को आई जनता की सुध। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एकत्रित होकर वर्तमान सरकार पर जमकर साधा निशाना, दी गिरफ्तारी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर पुराना है। सरकार बदलते ही नेताओं के बोल भी बदले बदले नजर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही नजारा शहर के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने नजर आया, जब पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक की अगुवाई में भाजपा के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं का कहना था कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया, महज 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर रही है, तो वहीं समृद्धि योजना के तहत किसानों को मिलने वाले पैसों के लिए अभी तक लिस्ट तैयार नहीं हो पाई है, युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा भी झूठा है। प्रदेश की सरकार के ट्रांसफर अभियान के चलते कानून व्यवस्था डामाडोल हो गई है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर अपनी गिरफ्तारी तक दे डाली। देखिए, मध्य प्रदेश में झूठे वादे करके कमलनाथ जी और कांग्रेस ने अपनी जो सरकार बनाई है उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि झूठ प्रचारित कर रहे हैं। हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, जबकि हम लोग जब गांव में और किसानों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि अभी तक हमें ना तो नोडू सर्टिफिकेट मिला है और ना ही हमारे कर्जा माफ़ी करने के लिए प्रशासन की ओर से कभी किसी ने संपर्क किया है। तो इसलिए कर्जा माफ़ी 2 लाख रुपए तक की जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। बेरोजगारों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, वो भी उसमें भी लिपापोती हो रही है और 100 दिन के रोजगार के नाम पर जो फॉर्म भराए जा रहे हैं उसमें भी बड़ी संख्या में बेरोजगार इससे वंचित हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीमांत किसानों के लिए जो 6,000 रुपये देने की बात कही है उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों की सूची ही उपलब्ध नहीं कराई, उसके माध्यम से उनको उनके खातों में 4,000 रुपये तत्काल आना है, वो मध्य प्रदेश में किसानों के खातों में नहीं आ पा रहा है। कानून व्यवस्था की हालत पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। चित्रकूट की घटना ने वास्तव में अंदर से लोगों को हिला के रख दिया है। उसमें CBI की जाँच के बाद उस परिवार के लोग यदि कर रहे हैं, CBI जाँच के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को आदेश करने में देरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शुरू से ही उसमें लापरवाही हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और तबादला एक उद्योग बन गया है जिसको हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया था। और गुण और दोष के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति जो होती थी अब वो लेन देन के आधार पर हो रही है। इस प्रकार के जो अराजकता की स्थिति है उसके विरोध में आज मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी धरना आंदोलन हम लोगों ने रखा है और हम लोग अपने ज्ञापन देंगे। कांग्रेस पार्टी